नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को पितृपक्ष के उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। पितृपक्ष पर पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। साल 2023 के पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो 14 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या तक रहेंगे। कुंडली के पितृ दोष दूर करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इन दिनों पितरों को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। पहला, पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें। साथ ही साल की हर एकादशी चतुर्दशी अमावस्या पर पितरों को जल अर्पित करें और त्रिपंडी श्राद्ध करें। दूसरा, पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृ दोष शांति के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। तीसरा, पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं, इससे पितृ दोष खत्म हो जाता है। चौथा, किसी जरूरतमंद को भोजन, दान या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से पितर खुश होते हैं। ऐसा करने से पितृ दोष शांत होने लगता है। पांचवा, घर में पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं, रोजाना उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगे। कहते हैं इससे पितृ दोष का प्रभाव कम होने लगता है। छठा, जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है उन्हें ये महा उपाय करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष खत्म होता है। सातवा, इसके बाद पेड़ के पास शुद्ध देशी घी का दीपक जलाते हुए ओम सर्व पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करें। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।